हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। आज जेड प्लांट की देखभाल शेयर करूँगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। तो ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये है जेड प्लांट, जो कि घर में रखना बेहद शुभ माना जाता है फेंग शुई के हिसाब से। ये जो प्लांट्स होते हैं लॉन्ग टर्म्स में चलने वाले होते हैं, बहुत लंबे वक्त तक आपके घर में बना रहेगा। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इस प्लांट की खास बात यह है कि इसकी देखभाल बहुत कम करनी पड़ती है और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से ग्रो होने वाले पौधे हैं। इस प्लांट से आप तरह तरह की टोपियरीज बना सकते हैं, डिफरेंट तरीके के शेप्स दे सकते हैं बर्ड्स के, एनिमल्स के, और ये बहुत ही उसी शेप में ढल जाते हैं और ऐसा लगता है कि पौधे से ही कोई एनिमल या फिर बर्ड बना हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत पौधा है, ज़्यादा महंगे भी नहीं मिलते हैं। कुछ 70-80 रुपए तक में ये पौधा आप लोगों को मिल जाएगा। अगर छोटी साइज़ का पौधा है तो उसकी प्राइस कम हो सकती है। ये जो प्लांट होता है फ्रेंड्स, इसकी मिट्टी की बात अगर करते हैं तो मिट्टी मैंने तो सिर्फ उसको मिट्टी में ही ग्रो किया है। आप चाहें तो इसको आप कोकोपीट थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं मिट्टी के साथ, और उसमें एक हिस्सा गोबर की खाद मिला सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं, फिर आप उसको लगा सकते हैं, जिससे कि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। इसको आप किसी भी तरह के प्लांटर कंटेनर्स में लगा सकते हैं, जो वेस्ट बॉटल्स होते हैं हमारे घर में जिनको हम फेंक देते हैं, उसको आप रिसाइकिल करके एक नया प्लांटर तैयार कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया है। और इस तरह के इसमें आप कुछ धागे लगा के या रस्सी बांधकर कुछ भी आप उसको हैंग कर सकते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। डिफरेंट कलर के बॉटल्स में लगा सकते हैं जो कि कलरफुल हो, या फिर आप उसको कलर कर सकते हैं तो भी बहुत अच्छे लगते हैं। प्रोपगेशन की बात करूं तो इसको आप कटिंग से बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। मैंने एक ही प्लांट से अभी बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर लिए हैं। इसकी छोटी सी छोटी कटिंग भी फ्रेंड्स बहुत आसानी से लग जाती है, और ये ऐसा पौधा है कि इसकी कटिंग आप कहीं भी इसकी कटिंग लगा दें मिट्टी में, ऐसे हल्का सा दबा के और पानी डाल दें, बस वो अपने आप ग्रो हो जाएगा, कुछ ही दिनों में ग्रो हो जाता है। बात करें धूप की तो ये अगर धूप में आप इस प्लांट को रखते हैं तो बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है। इसमें कीड़े मकोड़े बहुत जल्दी अटैक करते हैं, प्लांट की पत्तियों को जल्दी ख़राब कर देते हैं और प्लांट पूरी तरह से धीरे धीरे करके ख़राब भी हो जाता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि प्लांट को ऐसी जगह में रखें जहाँ पे ये इसे कुछ घंटों की, 2-3 घंटे की अच्छी धूप भी मिल जाए, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा कड़ी धूप भी ना मिले, वरना ये जो प्लांट्स हैं वो ख़राब भी हो सकते हैं, पत्तियाँ जल सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा कड़ी धूप में ना रखें और इंश्योर करें कि हल्की धूप तो ज़रूर ही मिल जाए इन पौधे को, तो इसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे और ग्रोथ भी इसकी अच्छी होती रहेगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स पानी की। तो ये जो प्लांट है इसमें पानी बहुत कम देने की आवश्यकता होती है। एक बार आप पानी दें, दोबारा इसमें तभी पानी दें, एक बार पानी देने के बाद जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाती है। ये जो प्लांट है ये सक्यूलेंट फैमिली को बिलोंग करने वाला प्लांट है, और सक्यूलेंट फैमिली को बिलोंग करने वाले प्लांट्स होते हैं, सक्यूलेंट प्लांट्स होते हैं, उनको पानी बहुत कम ज़रूरत होती है, पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं वो आप जब भी इस प्लांट में पानी देते हैं तो इसकी पत्तियाँ जो हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और आप देखेंगे कि इसकी पत्तियाँ फुली फुली हुई हैं तो ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, सोख कर लेती हैं अपने अंदर, और कुछ दिनों तक अपने अंदर स्टोर रखती हैं, जमा रखती हैं। और जब भी इनको अगर आप पानी नहीं देते हैं तो आप देखेंगे फिर भी ये जो प्लांट है वो अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। तो इसका कारण यही होता है कि ये जो पत्तियों ने पानी सोख किया था, अपने अंदर एब्जॉर्ब किया था, उनसे ये काम चला लेते हैं, जिससे कि इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप इन पौधों को ज़्यादा पानी देते हैं तो ये जो प्लांट्स होते हैं फ्रेंड्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं और वो गलना बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। इसलिए पानी तो बहुत कम ही दें इस प्लांट में मिट्टी सूखने के बाद। अब बात करते हैं कीड़े मकौड़ों की। तो कीड़े मकौड़े अगर आपके प्लांट में लगे हैं तो सबसे अच्छा तरीका है फ्रेंड्स कि आपके प्लांट को धूप में रखें और पानी बैलेंस्ड वे में दें। पानी एक बार जैसे कि बताया मैंने, मिट्टी सूख जाए तभी दिया करें, बहुत ज़्यादा पानी ना दिया करें, तो आपका प्लांट जो है वो हेल्दी बना रहेगा। खाद के लिए आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद डाल सकते हैं, जिससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती रहती है और ये ज़्यादा केयर भी नहीं चाहता प्लांट। बहुत इजी टू ग्रो, इजी टू मेंटेन प्लांट्स होते हैं, और आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स
ये वेस्ट बॉटल में मैंने इसी बॉटल से, ये कई सालों से इसी बॉटल में लगा है, और इसी बॉटल के प्लांट से मैंने कई सारे प्लांट्स तैयार कर लिए हैं। तो आप भी इस तरह से कई सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। आप किसी खूबसूरत प्लांटर पॉट में लगाकर इसको घर के अंदर इंडोर भी रख सकते हैं, लेकिन वीक में कम से कम 2 से 3 बार इसको धूप ज़रूर दिखा दिया करें, क्योंकि अगर आप इस प्लांट को धूप नहीं दिखाएंगे तो इसमें कीड़े मकोड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं और इसकी प्लांट की पत्तियां पीली होने लगेंगी और इसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए धूप में रखने से ये बैलेंस्ड वे से अपना जो है अपना इसकी जो ग्रोथ है वो होती रहती है, इसलिए धूप बहुत ज़रूरी है इस प्लांट के लिए, बस कड़ी धूप से बचाएं। तो ये था फ्रेंड्स जेड प्लांट, और सस्ते भी मिल जाते हैं, बहुत खूबसूरत भी लगते हैं। तो यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।